सो लेट्स टॉक अबाउट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको एक महीने बाद याद रहती है कि नहीं रहती, वो डिपेंड्स करेगा कि आपके जो नोट्स हैं वो किस क्वालिटी के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स को स्केच पेन से बनाने लगे या उनको ओवरटली अच्छा बनाने लगे, पर आपको ये ट्राई करना है कि जो भी आप लिख रहे हैं अपने नोट्स में वो ब्रीफ हों पर वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रहे हों। आपके टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं बोर्ड्स पे जो भी लिखा है उसको पहले मैं एक रफ नोट्स में बना लेता था और घर जाके उनको एक फेयर नोट्स में बना लेता था। इससे ये होता था कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी मैं वहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ अपने रफ नोटबुक में, वो मेरे नोट्स फाइनल नोट्स में ना आए और उसकी वजह से जब भी मैं पढ़ने बैठूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम इन फालतू की चीज़ों में वेस्ट ना हो। उसके साथ साथ आप अपने नोट्स को हर वीकली या फोर्टनाइटली रिवाइज करते रहें और एक प्लान बना लें कि आपको किन नोट्स को या किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स के नोट्स को कब रिवाइज करना है। क्योंकि टेस्ट में ये मैटर नहीं करता कि आपको जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन समझ आया कि नहीं, मैटर ये करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कितने दिन तक रिटेन कर पाते हैं। सो आई थिंक कि नोट रिवाइज करने की स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा टाइम ना दें अपने नोट्स में, पर जो भी नोट्स बनाएं उसको अच्छे से रिवाइज करें और नोट्स को बहुत ब्रीफ रखें पर एकदम अच्छे क्वालिटी के रखें।